अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 10th क्लास की फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 11, साउंड का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर इको ऑफ साउंड या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बच्चों, इसका मतलब क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको ऑफ साउंड? जो हमारा टॉपिक है इसका मतलब होता है, इको कहते हैं गूंज को, ठीक है? आपको पता है कि गूंज जो आपको सुनाई देती है, आप लोग अक्सर जो खाली बिल्डिंग्स होती हैं, एम्प्टी बिल्डिंग्स जो होती हैं, आप उधर जाते हैं, आप बोलते हैं, या खाली कमरे जो होते हैं आप वहाँ बोलते हैं और कुछ देर के बाद आपको अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है। वो क्यों वापस सुनाई देती है? वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से सुनाई देती है, जिसे कहते हैं इको। इको किसे कहते हैं? गूंज को। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती क्या है? देखें, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या दी गई है? व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, जब किसी भी मीडियम की सतह पे आके साउंड टकराती है, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, वो आवाज़ पहले मीडियम पे वापस चल जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इको। इसको या तो इको कहा जाता है या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहा जाता है। बच्चों, रिफ्लेक्शन आपने वाटर वेव्स की भी पढ़ी थी, किस तरीके से पढ़ी थी ये देखें। लेट सपोज कि ये एक दीवार है। अगर ये एक दीवार है तो इसका मतलब है ये मीडियम क्या हुआ? सॉलिड हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? हवा है, एयर है। लेट सपोज कि यहाँ पे कुछ बोलने वाला है, ठीक है, स्पीकर है या कोई बंदा बोल रहा है, यहाँ से आवाज़ जा रही है। ये आवाज़ की वेव्स इधर इस तरीके से जाएंगी, यहाँ पे आके ये दूसरे मीडियम के साथ आएंगी। जब दूसरे मीडियम के साथ आएंगी, वहाँ से टकरा के पहले मीडियम में वापस चल जाएगी, मतलब एयर में वापस चल जाएगी और वापस उसी जगह पे आकर उस बंदे को सुनाई देगी, जिसको क्या कहते हैं? इको, गूंज सुनाई देना। और ये किस वजह से होते हैं? साउंड की रिफ्लेक्शन की वजह से, कि जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाकर टकराती है तो वो आवाज़ पहले मीडियम में वापस आ जाती है, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर इको कहा जाता है, ठीक है बच्चों? ये आपकी हो गई डेफिनेशन। इसमें अब ये पैराग्राफ हम स्टार्ट से पढ़ते हैं। व्हेन वी क्लैप, जब हम ताली बजाते हैं, और शाउट या चीखते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, नियर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सतह के करीब, जैसा कि टॉल बिल्डिंग्स और अ माउंटेन, ऊंची ऊंची इमारतें हों या पहाड़ हो, वहाँ जाके आप बोल लें ऊंची ऊंची या ताली बजाएं, वी हेयर द सेम साउंड अगेन अ लिटल लेटर, हम थोड़े लम्हे के बाद, थोड़ी देर बाद सेम वही वाली आवाज़ दोबारा सुनते हैं। व्हाट कॉज दिस, इसकी वजह क्या है? दिस साउंड विच वी हेयर इज कॉल्ड एन इको एंड इज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस, ये आवाज़ जो हम सुनते हैं उसको इको कहते हैं। और इको किस वजह से है? उस किस इको जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का नतीजा है। तो इस पर आप हेडिंग बना लें, एक्सप्लेनेशन, वजाहत की, ठीक है बच्चों? अब यहाँ से हम देखते हैं द सेंसेशन, बल्कि मैं आपको ये बताने से पहले थोड़ा सा वैसे समझा देती हूँ। अब बच्चों, जो आप आवाज़ सुनते हैं, वो आवाज़ जो सुनते हैं वो आवाज़ कौन सी है? जिसको हम इको कहते हैं, ठीक है बच्चों? इको कहते हैं। अब इसको आप आने से पहले, लेट्स सपोज के मैं बोल रही हूँ, ये मेरा ब्रेन है, ब्रेन, दिमाग, जो मैं बोल रही हूँ ना, मेरी अपनी ही आवाज़ जो है वो मेरे दिमाग में 0.1 सेकंड तक रहती है। जो मैं बोल रही हूँ वो मेरे दिमाग में जो आवाज़ है उसकी जो सेंसेशन है, उसकी जो फीलिंग है, वो 0.1 सेकंड तक रहती है। अब अगर आपने क्लियर इको सुननी है, वाजिया गूंज सुननी है, तो क्या होगा कि जो आपकी आवाज़ जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो और रिफ्लेक्टिंग साउंड के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 0.1 सेकंड या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि ये देखें, लेट्स सपोज कि अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी आपको पिछली वाली आवाज़ सुनाई दे रही है जो आपने बोली है, मैं बोल रही हूँ मुझे सुनाई दे रही है, अगर उसी टाइम के दौरान ही, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलने वाला बंदा है, ठीक है, यहाँ पे सामने दीवार है, ठीक है,
मेरे मुझे अभी अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये यहाँ से जाकर टकरा के मेरे दिमाग में वापस भी आ गई तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये मुझे बाद में आवाज़ सुनाई दी है, मुझे लगेगा ये मेरी पहली वाली आवाज़ ही है। जैसा कि हम अपने घरों में जो बोल रहे होते हैं, हमें तो कोई भी गूंज सुनाई नहीं देती, इको सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि हमारी आवाज़ जिन सतहों के साथ जाकर टकराती है वो हमारे करीब करीब ही होती है। हमारे कमरे में फर्नीचर होता है, आपके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ सामान होता है जहाँ जाके आवाज़ जाती है, और वो 0.1 सेकंड से पहले ही आपको वापस टकरा के आ जाती है, तो आपको पता ही नहीं चलता पहले वाली और बाद वाली आवाज़ में वो सेम ही होती है। तो गूंज जो है वो क्लियरली आपको सुनाई नहीं देती। लेकिन आपका घर अगर जब खाली होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ जगह खाली है, दूर जाके आपकी किसी दीवार के साथ आवाज़ टकराएगी फिर वापस आएगी। जब तक आपकी पहली वाली अपनी वाली सुनाई देना जा चुकी होगी, फिर आपको जो बाद में सुनाई देगी वो इको होगी। तो अगर आपने क्लियर इको सुननी है तो जो आपकी आवाज़ है वो और रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान 0.1 सेकेंड का इंटरवल वक्फा होना चाहिए। अब बच्चों ये जो नॉर्मल जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर हवा का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, और जिसको हम 0.1 सेकेंड के बाद सुन सकते हैं लेकिन इससे पहले नहीं सुन सकते। अब आप लोगों ने अगर डिस्टेंस मालूम करना हो कि ये आवाज़ कितने डिस्टेंस से टकरा कर आएगी तो आपको क्लियर सुनाई देगा, वो आप ये वाले फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब वेलोसिटी, सॉरी मैं ये गलत कर दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, बच्चों वेलोसिटी की वैल्यू 340, टाइम की वैल्यू 0.1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 34 मीटर। इस 34 मीटर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे वो स्पीक बोलने वाला बंदा है, ये लेट्स सपोज दीवार है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो 17 मीटर है, फिर यहाँ से वापस आने का भी 17 मीटर, तो इन दोनों को प्लस किया तो 34 मीटर। तो अगर आप लोगों ने एक आवाज़ सुननी है, एक वाजिया गूंज सुननी है, तो बोलने वाले बंदे का दूसरे मीडियम से जो कम से कम फासला है वो 17 मीटर होना चाहिए, तब आपको वाजिया जो है क्लियर इको आप सुन सकते हो, अदरवाइज आप नहीं सुन सकते। अब हम इसको रीड करते हैं। द सेंसेशन ऑफ साउंड, आवाज़ की जो एक फीलिंग होती है persist in our brain for 0.1 second, हमारे दिमाग में 0.1 second तक रहती है। टू हेयर अ क्लियर इको, वाजिया गूंज सुनने के लिए द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 second, हमारी आवाज़ और रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान जो इंटरवल है, टाइम का वक्फा है, वो कम अज कम 0.1 second होना चाहिए, ठीक है। पहली बात, टाइम इंटरवल, पहली कंडीशन क्या है, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। आगे, इफ वी कंसीडर द स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकेंड, अगर हम फर्ज कर लें कि स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड एट अ नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर, हवा के नॉर्मल टेम्परेचर में, वी विल हेयर द इको आफ्टर 0.1 सेकेंड, तो हमें 0.1 सेकेंड के बाद गूंज सुनाई देगी, इससे पहले नहीं देगी। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एंड बैक शुड बी एट लीस्ट 34 मीटर, वो कह रहे हैं जाने का और फिर वापिस आने का कम अज कम फासला 34 मीटर होना चाहिए, कम अज कम, एट लीस्ट। थस फॉर हेयरिंग डिस्टिंक्ट इकोस, तो हमें वाजिया गूंज सुनने के लिए द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ से रुकावट तक का फासला मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का हाफ होना चाहिए, मीन 17 मीटर होना चाहिए। इकोस मे बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्टर्स, अच्छा एक ही आवाज़ की गूंज आपको 2-3 दफ़ा भी सुनाई दे सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बोलने वाला बंदा यहाँ है, एक वो इस दीवार से टकराया, इधर जाके टकराया, पहले आपको इसकी सुनाई देगी फिर इसकी, ठीक है, तो आपको ज़्यादा भी यहाँ पर जो इसकी जो गूंज सुनाई दी वही आगे जाके बार बार जब टकराएगी तो आपको मल्टीपल जो है बार बार सुनाई दे सकती है। तो इसके ऊपर बच्चों आप ये बुलेट पॉइंट बना लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से, और ये जो टू हेयर है ना इसके ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे कंडीशंस, ठीक है, शराइत,
वाजिया जो आपने इको सुननी है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होना ज़रूरी है। पहली कि उसका ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस सोर्स से कम 17 मीटर हो और टाइम इंटरवल जो है वो 0.1 सेकंड हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।